Sana Meenshek, currently seen in Krishnadasi, has proven herself to be a fantastic actor by every passing day. Today we have with us Sana talking about her journey as Aradhya in Krishnadasi and more. Take a look. How did Krishnadasi happen to me? Well, I finished Gustaagdil, then I finished Million Dollar Girl, and then I wanted to take a break. So, छोटे से break में मैंने सोचा कि जब मुझे तेरे शहर में offer हुआ, उसी के साथ मुझे एक और show offer हुआ था, जिसमें मुझे lead offer हो रहा था. तो मैंने वो ना choose करके मैंने ये choose किया. So that was the show I was supposed to do the lead in, and तेरे शहर में was a small cameo जहाँ पे मैं रफ़ी की बहन बन के आती हूँ, और उस वक्त मंटू के ऑपोजिट मेरा रोल होने वाला था, ऐसा कुछ ट्रैक होने वाला था, और हुआ नहीं वो क्योंकि मंटू ने शो छोड़ दिया बीच में से, एंड देन आई वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड. देन किंशुक महाजन एंटर्ड, वेल दैट शुडंट डू वेल इन दोज डेज, तो वो ख़त्म हो गया, विच इज़ रीसेंट. एंड उसके बाद देन आई थॉट कि लीड शायद करूँ ना करूँ, कि मैं अभी भी कैमियो करूँ, कि मैं कुछ छोटे रोल्स लूँ जहाँ पे मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ, अपने रेडियो को टाइम दे सकूँ. आई वॉज ऑल्सो गोना गेट मैरिड, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यंग, सो आई थॉट कि यू नो दिस इज़ अ टाइम आई हैव टू गेट मैरिड. सो मैं बहुत बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई थी, सो आई थॉट कि लेट्स फाइनली टेक अप दिस शो, बिकॉज ऑडिशन मी फॉर दिस रोल, उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, देवदासी कॉन्सेप्ट है, एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट. आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी बोल्ड, और मुझे लगा कि रन ऑफ द मिल शो नहीं है फिलहाल, तो ये सास बहू है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. मैं फिलहाल वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज टेलीविजन में कुछ भी हो सकता है. आई जस्ट होप कि हमारा शो जिस ट्रैक पे चल रहा है वैसा ही चलता रहे, जो स्टोरीज की सेट है ऑलरेडी, एक साउथ इंडियन शो का रीमेक है ये, तो हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं पूरा पैटर्न, तो ये उसी तरह से बने, थोड़ा लार्जर देन लाइफ, हमारे कॉस्ट्यूम्स मेरे तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी आई के, मेरी आजी के, मेरा बंगला, मेरा घर, इट जस्ट फील्स लाइक यू नो हम संजय लीला भंसाली के सेट पे शूट कर रहे हैं. सो इट्स वेरी कलरफुल, वहाँ की तकिए वकीय और हर चीज़ बहुत बहुत सुंदर है, एंड आई लाइक द होल एटमोसफियर. लाइक दैट्स हाउ इट हैपन्स विद एक्टर्स यूजली, इवन इफ वी डन अ फ्यू शोज, या इवन इफ वी आर अ लिटिल नोन, वी आर डेफिनेटली कॉल फॉर ऑडिशंस, इवन द नोन एक्टर्स द स्टार्स आर कॉल फॉर ऑडिशंस, एंड देन हमारा एक अपना स्ट्रगल होता है, बट एक स्टेज पे पहुंचने के बाद शायद आपके पैसे वैसे जमा हो जाते हैं बैंक में, यू हैव योर ओन फ्लैट, यू हैव योर ओन कार, यू हैव योर ओन स्टाफ, बट स्टिल यू हैव टू गो इन ऑडिशन. सो दैट्स द प्रोसेस दीज डेज. पहले नहीं होता था, आई थिंक पहले हम सुनते हैं कि पहले के ज़माने में डायरेक्टली एक्टर्स को डायरेक्टर्स ही कॉल करते थे या प्रोड्यूसर्स कॉल करते थे, कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी. बट या नाउ वी डेफिनेटली हैव टू ऑडिशन, जस्ट दे आर नॉट टेस्टिंग आर एक्टिंग, बट दे डू टेस्ट द लुक, कि क्या मैं आराध्या में फिट होती हूँ, या क्या मैं लाजो में फिट होती हूँ, यू नो क्या मैं अवंती में फिट होती हूँ, सो लाइक दैट. I did dress up like my aji in with the proper namwari and proper nathni and everything. We did that in the promo, one of the promos. So I was dressed up like this. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या ये माइथो शो है, क्या ये तुम ऐसे ही ड्रेसअप करोगी शो में, लेकिन सडनली उन्होंने मुझे कुर्ती, जीन्स, चूड़ीदार जीन्स, लेगिंग्स, टोल्स में देखा, तो उनको लगा कि नहीं एक रेगुलर शो है, आई एम प्लेइंग अ रेगुलर गर्ल, एंड yeah, I'm enjoying it. Feedback, usually I don't go these days on the internet to check unless it's my Twitter. मतलब मैं और कहीं जाके चेक नहीं करती, बिकॉज मैं कहीं से भी डिसहार्टन नहीं होना चाहती. आई रिसेंटली रेड अ स्टोरी अबाउट अ फ्रॉग जिसको एक माउंटेन पे क्लाइंब करना है, एंड सारे फ्रॉग्स उसको नीचे खड़े रह के बोलते हैं कि यू कांट क्लाइंब, एंड वो फिर भी क्लाइंब कर जाता है कैसे भी करके. वो इसलिए क्लाइंब कर जाता है बिकॉज वो डेफ होता है, और नीचे सारे खड़े हुए उसके जो दोस्त होते हैं वो सारे बोल रहे होते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, एंड ही कुड नॉट डू इट, एंड ही कुड ऑल ही थॉट वाज कि वो कह रहे हैं कि या यू कैन डू इट. सो यू नो आई डोंट वांट टू रीड द नेगेटिव कमेंट्स. मैं कभी रीड नहीं करना चाहती, मैं कभी नहीं पढ़ना चाहती कि लोग मेरे बारे में क्या बुरा बोल रहे हैं. लोग अगर अच्छा बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन बुरा बोलने के लिए मेरे क्रिएटर्स हैं मेरे शो पे, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरी डायरेक्शन टीम है, दे टू क्रिटिसाइज़ मी अगर मेरा कुछ भी हो रहा है, मैं वहाँ पर इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं अपने आप का परफॉर्मेंस देख के खुद इम्प्रूव कर सकती हूँ, बट देन आई डोंट लाइक द नेगेटिविटी, सो आई स्टे अवे फ्रॉम दैट. बट देर आर वेरी 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 स्वीट पीपल ऑन ट्विटर एंड ऑन फेसबुक जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे. आई एम रेगुलर ऑन इंस्टा एंड ट्विटर, फेसबुक में इतना नहीं जाती, बट हाँ Facebook is just for my personal use and for my personal friends. But for feedback, I definitely look on to Twitter and Insta.
सो इंस्टा पे बड़े क्यूट वीडियोस बना के डालते हैं, बड़े क्यूट पिक्चर्स के कोलाज बना के डालते हैं, दे आर वेरी स्वीट. सो आई लव द पॉजिटिव फीडबैक, सो कीप देम कमिंग. While most of the times daily Sadhu drama shows have dominated our industry, were you skeptical of taking up this show since it has an unusual concept? I'm never skeptical of taking up any challenging role. In fact, somebody asked me, you know, ke Sana, you know, your career growth has not been very like, you know, एकदम rapid fast, एकदम नहीं हुआ है. रातों रात ऐसे सुपर स्टार बनाने वाला मुझे कोई शो नहीं मिला. I've gone very slow and steady. I'm still going. I'm on the way and I hope to reach where I want to. But even if I don't, it's okay because whenever I look back, I've done some good work with good people and good shows. Whether it's Gustaak Dil, whether it's Million Dollar Girl, it's Pratigya, my small little stint in Pratigya, जो लोग सोचते हैं मेरा first show था. एंड उससे पहले मैंने दो तीन शोज़ एज ए लीड किए थे. बहुत कम लोग जानते हैं ये मेरा फिफ्थ लीड है, कृष्णदासी सोलो फिफ्थ लीड. एंड एक्चुअली दैट्स बिन द प्लस पॉइंट इन माय करियर बिकॉज एवरी टाइम पीपल थॉट आई एम समवन हुज़ फ्रेश, हुज़ जस्ट डन लाइक अ कपल ऑफ शोज. ओके, इसने सिर्फ दो किए होंगे, एक किया होगा. तो यू नो एवरी टाइम आई कम अप एज अ फ्रेश कैरेक्टर, सो दैट्स अ बेस्ट पार्ट. एंड एवरी टाइम आईव गॉट अ चैलेंजिंग रोल बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम यूपी, आई डोंट बिलोंग टू बिहार, बट आईव गॉट दोज कैरेक्टर्स जहाँ पे यूपी डायलेक्ट, बिहार डायलेक्ट यूज़ करने को कहा गया है. जस्ट लाइक टू शोज, वन शो पहले मुझे मिलियन डॉलर गर्ल में आई वॉज प्लेइंग अ 17 ईयर ओल्ड अवंती, वॉन्टेड टू मेक बिग फ्रॉम बनारस अगैन. सो दीज रोल्स आर वेरी वेरी चैलेंजिंग. अगेन आराध्या इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज नानी के साथ बड़ी लाड़ में है, मम्मी के साथ लाड़ में है, आर्यन के साथ एक अलग नोकझोंक है, प्यार है, अभी दुश्मनी स्टार्ट होने वाली है. तो शी हैज़ वेरी शेड्स टू प्ले. And when questioned to her about how has life changed post-marriage, this is what she has to say. शादी के बाद वर्किंग पैटर्न थैंकफुली एजाज, माई हस्बैंड बिलोंग्स टू द सेम इंडस्ट्री, इज़ अ डायरेक्टर, सो ही इज़ बिन बिजी विथ हिज शूट्स, आई एम बिजी विथ माई शूट्स, सो इट फील्स मोर लाइक अ लिव इन. आई ऑलवेज फैसिनेटेड द फिल्म सलाम नमस्ते एंड यू नो इट फील्स लाइक दैट बिकॉज वी गो फॉर आर यू नो आर डेली रूटीन एंड देन वी लीव अ हाउस विथ आर डब्बाज, यू नो समटाइम्स आई एम पैकिंग हिज डब्बा, समटाइम्स ही इज़ पैकिंग माई फ्रूट्स एंड यू नो वो मेरे डाइट का ख्याल रख रहा है, मैं उसके डाइट का रख रही हूँ, एंड देन वी जस्ट रश out of our homes and then in the evening then we just coordinate, okay what time are you coming, what time am I coming, okay should we go for a dinner, should we go for a nice movie or something, kuch movie bhi dekh kar aate hain. So it's like a date in the evening but not every day because we are most of the times tired after working for 12 hours and then we come home. Phir kya subah uth ke wapas se hum shoot pe jaate hain. So it's a lovely phase. I think everybody should get married. So there are surprises also. Sometimes I go home and I find a huge teddy bear, like mere size ka teddy bear ghar pe. Sometimes when he comes, so I've cooked something for him. So yeah, it's fun. फैंस के लिए कहूँगी, कई लोग मुझे पूछते हैं जल्दी क्यों शादी कर ली, मैं ये कहूँगी कि यार जल्दी शादी कर लो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अच्छी अच्छी लाइफ है. इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन यू शुड गेट मैरिड, इट्स फन, ट्रस्ट मी. एंड आई होप आई से दिस 10 ईयर्स डाउन द लाइन ऑल्सो. एंड दूसरी बात कि कृष्णदासी में देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए. ठीक है यार, मैंने बोला कि नेगेटिव कमेंट्स में नहीं पढ़ती, बट आप लोग लिख सकते हैं, पर प्यार से लिखिएगा कि ये नहीं अच्छा लगा या वो नहीं अच्छा लगा या साना ये एक बार नहीं अच्छे लगे, अच्छे से लिखना यार, मतलब डोंट बैश मी एंड ऑल. ओके एंड या कीप स्प्रेडिंग लव. वेल साना, वी विश यू अ लॉट मोर सक्सेस. उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, this is Sana Sheikh and you're watching India Forums. And do subscribe to WhatsApp TV.